दोस्तों, आज हम जानेंगे कि रोजाना एक हरी मिर्च क्यों खानी चाहिए। आमतौर पर यही सोचा जाता है कि तीखा या मसालेदार खाना अच्छा नहीं है और इसके सेवन से पेट या सीने में जलन महसूस कर सकते हैं। लेकिन किचन में मौजूद हरी मिर्च ना सिर्फ खाने का स्वाद बढ़ाती है, साथ ही इसके कई स्वास्थ्य संबंधी लाभ भी होते हैं। हरी मिर्च में कई पौष्टिक तत्व जैसे विटामिन ए, विटामिन B6, विटामिन सी, आयरन, कॉपर, पोटेशियम, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट मौजूद होते हैं। यही नहीं, इसमें बीटा कैरोटीन, क्रिप्टोकासेंथिन, लुटेन, जैक्सेंथिन ये आदि स्वास्थ्यवर्धक चीज़ें मौजूद हैं। हरी मिर्च खाने से फेफड़ों का कैंसर का खतरा कम हो जाता है। पुरुषों को हरी मिर्च जरूर खानी चाहिए क्योंकि उन्हें प्रोस्टेट कैंसर का खतरा रहता है। वैज्ञानिक शोधों ने यह साबित किया है कि हरी मिर्च खाने से प्रोस्टेट की समस्या पूरी तरह खत्म हो जाती है। हरी मिर्च में बहुत सारे विटामिन पाए जाते हैं जो स्किन के लिए फायदेमंद हैं। अगर आप हरी मिर्च खाते हैं तो आपकी त्वचा में निखार आता है। हरी ताजी मिर्च का एक चम्मच शहद के रस में मिलाकर खाने से खाली पेट खाने से दमे के रोगी को राहत मिलती है। इसका प्रयोग 10 दिनों तक करने से आपको लाभ होगा। वहीं हरी मिर्च खाने से गर्मी निकलती है, दो प्रभावी दर्द निवारक का काम करती है। इसमें कैप्सिन मौजूद होता है जो नाक में रक्त प्रवाह को आसान बनाता है। इससे सर्दी और साइनस की समस्या में राहत मिलती है। हरी मिर्च मूड बूस्टर का काम भी करती है। यह मस्तिष्क में एंडोर्फिन का संचार करती है जिससे हमारा मूड काफ़ी हद तक खुशनुमा रहता है। यह खाने को भी जल्दी पचा देती है, साथ ही शरीर के पाचन तंत्र में भी सुधार करती है। इसमें भरपूर मात्रा में फाइबर पाया जाता है, इसलिए कब्ज को भी दूर करती है। हरी मिर्च में एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं जो कि संक्रमण को दूर रखते हैं। इसलिए हरी मिर्च को खाने से ही आपको संक्रमण के कारण होने वाले त्वचा रोग नहीं होंगे। महिलाओं में अक्सर आयरन की कमी हो जाती है, लेकिन अगर आप हरी मिर्च खाने के साथ रोज खाएंगे तो आपको यह कमी पूरी हो जाएगी। इसमें विटामिन सी भी होता है, मगर इन्हें ठंडी जगह पर रखना चाहिए क्योंकि गर्मी से हरी मिर्च के पौष्टिक तत्व खत्म हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी वो जानकारी कि हरी मिर्च क्यों खानी चाहिए और किस प्रकार हमारे लिए फायदेमंद है। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, तो अपने दोस्तों मित्रों के साथ इसको शेयर जरूर करें ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। आगे भी हम आपके लिए ऐसी स्वास्थ्यवर्धक जानकारियाँ लेकर आते रहेंगे, तो जुड़े रहें मेडिया अपडेट्स के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।